हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के तहत गुम्मर गांव के एक गरीब किसान कुलदीप ने कोविड 19 के चलते बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना था तो इन्होंने अपनी गाय को ही बेच दिया। जैसे ही मामला मीडिया में सामने आया तो स्थानीय विधायक एवं योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश ध्वाला ने कुलदीप के घर पहुंचकर 2000 की नकद मदद कर दी। अब उसी पर समाज सेवी संजय शर्मा बड़का भाऊ ने सवालिया निशान लगाया है। उनका कहना है कि फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार होकर कुलदीप के घर आने वाले ध्वाला ने 2000 देकर गरीबी के साथ में भद्दा मजाक किया है। उन्होंने आज दिन तक इस गरीब परिवार की सुध क्यों नहीं ली। संजय शर्मा ने कहा कि अगर 30 दिन के अंदर अंदर इस गरीब परिवार को आशियाना नहीं मिला तो बड़का भाऊ टीम आंदोलन करने पर मजबूर होगी। देखिए जनाब, ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में जब एक सोशल मीडिया या मीडिया में खबर छपती है कि कुलदीप नाम का व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, अपने बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए फ़ोन लेने के लिए अपनी गाय बेच देता है और उसे वो फ़ोन लेता है, उसकी मदद के लिए ज्वालामुखी में ही 71 राज करने वाले, 2 बार पूर्व सरकारों में मंत्री रहे और वर्तमान में उपाध्यक्ष, फॉर्चुनर गाड़ी में आते हैं, धनाक से कुलदीप के घर पहुंचते हैं। मैं मौके पर था। कुलदीप के घर पहुंचते हैं और 2000 रुपये पकड़ा के उसको एक महीने का आश्वासन दे के वहाँ से उसी गाड़ी में बैठ के वहाँ से फर हो जाते हैं। अब मुझे कोई बताया कि फॉर्चुनर गाड़ी में आके 71 राज करने वाले नेता 2000 रुपये में क्या कुलदीप का मकान बना पाएंगे? जिसकी तरफ आपके माध्यम से मैं सरकार प्रशासन को ज्वालामुखी प्रशासन को बताना चाहता हूं कि 30 दिनों के अंदर अंदर उसका मकान बनाया जाए, अन्यथा बड़का भाऊ टीम बड़का भाऊ आंदोलन का रास्ता इख्तियार कर लेगी और जिसकी जिम्मेवारी सीधी ब सीधी प्रशासन पर होगी। इस मामले में जनाब सारे दोषी हैं, बाटपन से लेके प्रधान से लेके बीडीओ से लेके खुद विधायक से लेके। विधायक कितने सालों से 71 राज कर रहे हैं, क्या उनको पता नहीं था कि कुलदीप की हालत ये है? मैं एक बार फिर चेतावनी देता हूं प्रशासन को कि 30 दिनों के अंदर उसका मकान बनाए, अन्यथा टीम बड़का भाव फिर आंदोलन करेगी। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।